विदिशा जिले के सिरोंज में पुलिस द्वारा युवक के साथ मारपीट करने का मामला लगातार तुर पकड़ता जा रहा है। मारपीट की घटना पर नाराजगी जताते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। सर, ज्ञापन इसलिए दिया था कि बहुजन समाज का जो संतोष बंसकार जी के को बेरहमी से पुलिस ने झूठी शक के आधार पर पीटा है और जाति सूचक शब्दों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इससे बहुजन समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसलिए और उसके पिताजी को भी लघुआ मार गया है, एक ही कमाने वाला है। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने की ओर से मांग की है कि इसको 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, अच्छी हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाए और निर्दोषी जो पुलिस है, पुलिस के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और ऐसी आइंदा कभी भी किसी भी गरीब मजलूम पर ऐसी हिटलरशाही पुलिस की जो चल रही है, ये कभी भी ना हो। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। 7 दिन का हमने चेतावनी दी है, 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी और हम हमेशा बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो करते रहे। नहीं, अभी नहीं है संतुष्ट। आज हमें बर्खास्त जब तक नहीं होंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।